वेलकम दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक जे सी सी पे आज मैं आपके लेके कॉर्नर वीडियो आज हम बात करेंगे बूट स्टैम में डिस्प्ले के अंडर टेबल टेबल सेल टेबल रॉक ठीक है लास्ट टाइम वीडियो में क्या देखा था नन देखा था इनलाइन देखा था और ब्लॉक देखा था इनलाइन ब्लॉक क्या होता है इनलाइन पहले तो इनलाइन तो हमारा एक लाइन में कंटेंट आता है ब्लॉक हमारा जो दूसरी लाइन में आता है तो इनलाइन ब्लॉक क्या होता है इनलाइन ब्लॉक जो होता है कि कि जब कंटेंट उस, उसमें दोनों की प्रॉपर्टीज हो इनलाइन और ब्लॉक की ठीक है ये तो लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था आज हम बात करेंगे टेबल टेबल सेल और टेबल रो के बारे में ठीक है चलो प्रोग्राम को शुरू करते हैं तो अपने डिस्प्ले में टेबल कैसे यूज़ करना है उसके लिए हमने पहले एक प्रोग्राम बना के रखा हुआ है बस कुछ नहीं बॉडी के अंदर हमने सबसे पहले डिप कंटेनर ले लिया है जी एम का मतलब क्या है मार्जिन टॉप मार्जिन टॉप थ्री हमने छोड़ दिया ऊपर से तो उसके बाद जब अभी हमने टेबल को शुरू करना है डिस्प्ले के अंदर तो डी टेबल लिखना पड़ेगा ठीक है डिव उसके अंदर क्लास उसके बाद डी टेबल ठीक है जैसे टेबल टैग शुरू करते हैं सेम ऑलमोस्ट तो टेबल टैग को शुरू कर ले उसके अंदर हमने रोज को शुरू करना है ठीक है <coughs> सॉरी उसके अंदर हमने रो को शुरू कर लिया टेबल डी डिस्प्ले टेबल रो और उसके बारे रो के अंदर हमने क्या बनाना है जैसे हमें टी डी टैग बनाते हैं टी एस टैग बनाते हैं नॉर्मल एस टी एम और सी एस एस बूट स्टैम्प के बीच उसी तरह से आलमोस्ट सेम ही है इसमें भी टीके टेबल टैग टे, टेबल रो के बीच में हमने एक और बनाना है जिसको डी टेबल सेल बोलते हैं ठीक है थीके? उसके बाद ये क्या हमारा है डबल जू थर्टी डबल जू थर्टी।, थर्टी क्या है हमारी डबल जू थर्टी एक स्पेस है स्पेस क्या है जी हमारी स्पेस है तो हमने इसको स्पेस मतलब उसको उसकी वृथ को सेट कर दिया ठीक तो जे सेल बना लिया उसके बाद जे सेल बना दिया सेम जे सेल है उसको डिप को हमने क्लोज़ कर दिया जे वाला डिप जे वाला क्लोज हो रहा है सॉरी जे वाला डिप हाँ जे वाला क्लोज़ हो रहा है और उसके बाद जे वाला डिप जे है और जे वाला डिप ठीक है जे है तो इस तरह से हमने क्या किया टेबल मतलब <coughs> टेबल को डी टेबल को डी वर, डी टेबल के अंदर डी टेबल रो उसके बाद डी टेबल सेल उसके बाद हमको विड सेट करनी जरूरी होती है ठीक है विथ सेट कर दी उसके इस सेल को क्लोज कर दिया अगला सेल आ, स्टार्ट कर लिया डी टेबल सेल और उसकी विथ सेट कर दी और उसकी जो थर्टी थर्टी सिक्सटी और फोर्टी ठीक है तो जे वाला हो गया तो जी इसकी आउटपुट है ये देखो जे थर्टी जे थर्टी जे फोर्टी ठीक है इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो जी को प्रोग्राम चल रहा है ठीक तो जस्ट हमने ये वाला कंटेंट जस्ट कॉपी पेस्ट करके रखा हुआ है तो नॉर्मल सा प्रोग्राम है कुछ आ, कुछ इसमें टफ नहीं चीज़ है कोई मुश्किल चीज़ नहीं इसमें सब इजी है जैसे आपने एस में टेबल कर रखा है ऑलमोस्ट सेम ही है बस क्लास यूज़ करनी है हमें डी टेबल रो सबसे पहले डी टेबल उसके अंदर डी टेबल रो फिर डी टेबल सेल तो जिस सेल को हमने क्लोज कर दिया सेल स्टार्ट कर दिया सेल क्लोज उसके बाद हमने जे वाला रो क्लोज कर दी ये हमारा टेबल क्लोज हो गया ठीक है तो ये तो ऑलमोस्ट बहुत सिंपल था प्रोग्राम ठीक है तो ये हमारा कोड था टेबल टेबल सेल टेबल रो और फ्लैक्स इनलाइन लाइन फ्लैक्स तो आगे देखेंगे जब फ्लैक्स वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम तो ये भी हो गया तो एक लाइन थोड़ी सी और देख लेते हैं ये वाला प्रोग्राम देखते हैं डिस्प्ले का डिस्प्ले ठीक है तो लास्ट वीडियो में हमने देखा भी था पर फिर भी एक बार थोड़ा सा और देख लेते हैं इसको कि जय जो हमने जे लाइन आपको मालूम ही है कि जो डिब होता है वो ब्लॉक लेवल होता है उसको इनलाइन बनाते बनाता है तो डी लाइन बनाते हैं ठीक है इस तरह से हम डी इनलाइन लाइन बना ब्लॉक को हम की बना लेते हैं डी इनलाइन बना बना लेते हैं ठीक है जी देखो रेन दे अगर हमने क्या कर... अगर हमने स्पैन जो स्पैन होता है वो इनलाइन होता है अगर हम उसको ब्लॉक लेवल बनाना है तो डी ब्लॉक लिखना है ठीक है अगर हमें स्पोज करो स्पैन में हम हम इनलाइन की प्रॉपर्टी भी रखना चाहते हैं और ब्लॉक लेवल की भी प्रॉपर्टी रखना चाहते हैं डिब में अगर हमें दोनों की प्रॉपर्टी चाहिए तो, तो क्या यूज़ करते हैं डी ब्लॉक डी इनलाइन ब्लॉक क्या यूज़ करते हैं हम वाली डी डी इनलाइन ब्लॉक ठीक है दिखा भी देते हैं आपको <coughs> तो ये <जे> हमारा <coughs> बाय <coughs> डिफ़ॉल्ट क्या होता है हमारा बाय डिफ़ॉल्ट जो स्पैन होता है हमारा वो इनलाइन होता है ठीक है तो इनलाइन को हम ऐसे ब्लॉक बन गया तो इसको सेव किया मैंने तो ब्लॉक बन गया एक को रीलोड करता हूँ ठीक है जी मेरा ब्लॉक बन गया पर जो नेक्स्ट वाला डाटा है <coughs> वो न्यू लाइन में आ रहा है इस करके न्यू लाइन में आ रहा है क्योंकि हमने जो ब्लॉक बन गया जो अगले वाला जो कंटेंट होगा न्यू लाइन में आएगा अगर हम ये चाहते हैं कि जो इसमें इनलाइन वाला भी मतलब इसकी इसमें प्रॉपर्टी रहे और ब्लॉक लेवल की भी प्रॉपर्टी रहे उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है <coughs> दोनों की प्रॉपर्टी एक जगह रखने के लिए डी इनलाइन ब्लॉक बस और कुछ नहीं ठीक है अब न्यू लाइन में नहीं जाएगा तो जी देखो अब साथ में आ गया उसकी व्रत क्योंकि अगर अगर जो इनलाइन होता है ना इनलाइन उसकी हम व्रत को सेट नहीं कर सकते जो ब्लॉक लेवल होता है उसकी व्रत को सेट कर सकते हैं ठीक है जो इनलाइन होता है वो सेम लाइन में रहता है ब्लॉक लेवल न्यू लाइन में आता है मतलब दोनों की प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम एक ही जगह हम यूज़ कर लेते हैं उसको क्या बोलते हैं डी इनलाइन ब्लॉक ठीक है तो ये तो हम लास्ट वीडियो में सब देख लेता आलमोस्ट ऑलमोस्ट ठीक है ग्रिड तो लास्ट टाइम पहली वाली वीडियो में कर रखा है तो आगे वाली वीडियो में करेंगे प्रिंट ये वाला प्रिंट एरिया ठीक है नॉन प्रिंट जो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में ठीक है आई होप आप आपके प्रोग्राम को समझ लग गया होगा फिर भी इसमें कोई भी दिक्कत हो प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो थैंक्स फॉर वॉचिंग